नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव। इस समय है गोरखपुर का जो मोहद्दीपुर गुरुद्वारा है, देखिए गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा, ये गुरुद्वारा है और कीर्तन अंदर चल रहा है और जो कीर्तन की धुन जो चल रहा है उसका आप एक जो भक्ति का भाव है वो भी आता है। और यहाँ पर देखिए सिख समाज के लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, चूँकि लोकसभा 2024 का चुनाव करीब है और ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के जनहित से जुड़े हुए हैं, जो समस्याएं हैं, डेवलपमेंट कितना हुआ है। इसके साथ ही हम बात करेंगे UCC और CA पर भी, तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि पहले देखिए आपको दिखा देते हैं, ये इतने लोग हमारे साथ हैं और ये पूरा मोहल्ला जो है ये सिख समाज का यहाँ पर तमाम लोगों का आवास है। ये बताइए सर, क्या नाम है और ये बताइए क्या कहना है, चुनाव भी है तो विकास और समस्याएं कितनी दिखती हैं आपको गोरखपुर में? जब से महाराज जी मुख्यमंत्री हैं समस्या तो कोई है नहीं, विकास ही विकास हो रहा है। विकास बहुत हुआ है गोरखपुर में और हम लोग महाराज जी को अब प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं ताकि गोरखपुर का नाम वर्ल्ड में आए। चलिए आप बताइए आपको क्या लगता है? सेम ही है। गोरखपुर में जितना विकास पिछले 7.5 साल में हुआ है और उसकी गाथा कहनी और लिखनी असंभव है, गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। हम इतना ही चाहते हैं कि पूज्य महाराज जी इस कार्यकाल को पूरा करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो, यही हमारी इच्छा है। अच्छा, समस्याएं भी काफ़ी हैं शहर में। अभी हमारी बात हो रही थी मुस्लिम समाज के लोगों से, तो जैसे UCC की बात हो रही थी तो UCC पे सहमत नहीं है, अब समान नागरिक संहिता जो कानून है उस पर सहमत नहीं है, लेकिन अब जो है अमित शाह जी ने कह दिया है कि अब जो विधेयक है लाएंगे उसको CA को लेके कि चुनाव के पहले लागू करेंगे CA को, तो क्या लगता है कि इससे यहाँ के रहने वाले मुसलमानों या अल्पसंख्यक समाज का नुकसान होगा? देखिए, जो यहाँ पीढ़ियों से रह रहा है, जो माइग्रेट करके आया है, जिसकी 4-5 पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियाँ हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है। ये CA बनाया गया केवल रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, जो आ करके अवैध तरीके से भारत के हर हिस्से में, रोहिंग्या इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है और भारत के हर हिस्से में है, तो ये रोहिंग्या मुसलमानों के लिए है, ना कि यहाँ रहने वाले 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी से भाइयों की तरह जो रह रहे हैं मुसलमानों के लिए है। चलिए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं। ये बताइए सर, क्या लगता है जो CA नागरिकता जो कानून आ रहा है जिसमें संशोधन की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है उससे जो बाहर जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिनको यहाँ इंडिया में मतलब भारत में बसने में परेशानी होती है, उनके लिए फ़ायदा है या फिर यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज हैं वो जो विरोध कर रहे हैं उनको दिक्कत? जो सरकार ने ये कदम उठाया है ये देश हित के लिए उठाया है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। अपनी अपनी सोच है, अगर अपनी सोच के हिसाब से आदमी चलेगा तो मेरे ख्याल से जो ये संशोधन पारित किया गया है वो देश के हित के लिए है और आगे चल के इसका देश को बहुत ही फायदा होगा। आपको क्या लगता है मैडम, गोरखपुर की अगर बात करें तो विकास कितना हुआ और समस्याएं कितनी? समस्या तो है ही नहीं, गोरखपुर में विकास ही विकास है। जहाँ पूज्य योगी आदित्यनाथ हैं, जब से महाराज जी मुख्यमंत्री होके आए हैं तब से नैसर्गिक विकास है। जिस तरफ आप देखना चाहें, आप यहीं मोहद्दीपुर में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, एम्स देख लीजिए, फर्टिलाइजर देख लीजिए, चिड़ियाघर देख लीजिए, आज नौका विहार पर्यटन का एक इतना बढ़िया, गोरखपुर में क्रूज, ये महाराज जी की देन है। मंदिर, आज ये गुरुद्वारे जहां हम इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस दिन महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे 17 दिन पहले, इसका महाराज जी ने हमेशा, एक सांसद होके भी मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमारे मोहद्दीपुर के लिए अच्छा ही किया है, और 13 दिन बाद पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बन के आए थे, तो पूज्य महाराज जी हमारे गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किए हैं और महाराज जी अभी आगे बहुत कुछ करेंगे, आप देखते जाइए, नैसर्गिक विकास होने हैं। अच्छा, आपको विकास दिखाई दे रहा है, ये बताइए CA की बात करें, UCC की बात करें, तो अमित शाह जी ने तो कह दिया है कि CA लागू करेंगे, बिल्कुल लागू करना चाहिए, ये सोच उनकी बहुत अच्छी है। अल्पसंख्यक समाज क्यों डरा हुआ है फिर? जो डरा है वो डरा है, जो है ही नहीं वो डरेगा ही, जो है वो अपने आप को स्थापित समझ रहा है उसको डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। आपको क्या लगता है सर, क्या सहमत हैं? एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ। क्या लगता है, अमित शाह जी कह रहे हैं जो बाहर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको फायदा होगा CA से, तो ऐसा आपको लगता है? एकदम फायदा होगा, हर समाज के लोगों को फायदा होगा। जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं वो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर कुछ चाबुक चलने वाला है, वो उनकी सोच डरी हुई है, उनकी सोच ही डरी हुई है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको फायदा ही फायदा है।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि शहर का डेवलपमेंट की बात करें, समस्याओं की बात करें, कुछ दिखाई दे रही है समस्याएं यहाँ पर? तो ये 5 साल पहले आपने देखा होगा शहर की क्या स्थिति थी। शहर ही नहीं, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूरे यूपी में एक ऐसा नज़ारा है कि लोग विदेशों को भूल चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश के अंदर सब लोग घूमना चाहते हैं। अब इससे बड़ी सौगात हमें लगता है किसी सरकार ने आज तक न दिया है न कभी दे पाएगा। और यही नहीं, अभी तो ये समझिए आपका कितना वर्ष हुआ, इतने वर्षों में इतना बड़ा उन्होंने नक्शा और विकास का मापदंड दिया। विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है उस पर सरकार पूरी तरह फेल है। देखिए, विपक्ष इसलिए बोल रहा है, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो वही कहावत चरितार्थ है। सहमत है सर, सहमत है एकदम, बिल्कुल जो है एकदम 100% सहमत है। आप बताइए, सुधाकर जी युवा भी हैं और यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी, इनसे भी जान लेते हैं, बताइए क्या आप सहमत हैं इन सभी लोगों की बातों से? एकदम सहमत हैं। देखिए, विपक्ष का काम है उसको कुछ ना कुछ कहना, और विपक्ष को मोतियाबीन हो गई है। उनको अभी 60,000 नौकरी जो निकली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ गोरखपुर में नौका विहार में 2017 से पहले भैंस चरा करती थी, और अब जा करके वहाँ आप देखिए, लेकिन विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है, मोतियाबीन हो गया, क्या किया जाएगा। आज़ादी के टाइम में जो विभाजन का दर्द है वो आप लोगों ने झेला है, तो क्या लगता है जो CA आएगा, तो जो नातबात रिश्तेदार रह गए पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, तो क्या लगता है कि उनके लिए सहूलियत हो जाएगी भारत में बसना और यहाँ रहना, या यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनके लिए परेशानी का सबब बने? ऐसा कुछ नहीं है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितना सिख समाज के लिए किया आज के पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। सबसे पहले उन्होंने जो सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है ननकाना साहब, उसके लिए कॉरिडोर की स्थापना भी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही की है, और उनके कार्यकाल में जब तक वो ये हैं, सिख समाज या अल्पसंख्यक समाज को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनके कार्यकाल में हम सभी एकदम सुरक्षित हैं। अच्छा, चलिए, एक युवा भी हैं, इनसे नाम जानते, पहले बताइए क्या नाम है? आपने तो वो दौर नहीं देखा होगा, अपने बाबा जी से और पहले की पीढ़ी से सुना होगा, जो रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में या और भी बाहर हैं जो इंडिया में नहीं आ पा रहे हैं, क्या लग रहा है CA जो कानून है उससे फ़ायदा होगा उनको? बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो कभी पुरानी बातें सुनी अपने दादा से कि किस तरह विभाजन हुआ था, तो क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी? पहले सुनी है कभी कभी। तो क्या बताते हैं वो लोग? बताते हैं वो लोग कि बहुत लड़ाई वड़ाई थी इसलिए आ गए, वैसे हमारे दादा वादा उधर के ही थे। कहाँ बसे हुए थे विभाजन के पहले? हमारे वहाँ थे लाहौर। तो अभी क्या लगता है जो रिश्तेदार रह गए होंगे पाकिस्तान में, लाहौर या कराची, जहाँ भी बसे हों, तो ये जो कानून अमित शाह कह रहे हैं चुनाव के पहले ले आ देंगे, तो उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको लग रहा है कि आपके रिश्तेदार जो हैं आप मिल पाएंगे उनसे? कह नहीं सकते उस पर कुछ भी, मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते हैं, उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए, तमाम संशय है लेकिन पूरा विश्वास भी है कि जो CA कानून आने की जो बात लाने की बात अमित शाह कह रहे हैं उसका लोगों को फ़ायदा होगा, और इसके साथ ही जो बाहर जो रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको भी काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। इसके साथ ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो जरूर रंग लाएगा, क्योंकि जो विकास की परिपाटी पर ये सरकार उनको खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। नीरज श्रीवास्तव, AVP लाइव, गोरखपुर।